स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज जानेंगे कैसे आप उबंटू इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मशीन में। सबसे पहले डाउनलोड कर लीजिए उबंटू अपने पीसी में एक आईएसओ फाइल, और उसको कैसे आपको बूटेबल क्रिएट करना है ये है हमारी प्रीव्यू उस वीडियो का, जहाँ पे हमने बनाया है एक बूटेबल पेन ड्राइव को उबंटू के लिए। ये बेसिक प्रीव्यू था आपके फिजिकल मशीन पर इंस्टॉल करने के लिए। और आप जो देखेंगे ये है एक वर्चुअल बॉक्स पे किया गया एक इंस्टॉलेशन। बेसिक कॉन्फ़िगरेशंस कुछ ऐसी है, आपको सबसे पहले अपना वर्चुअल बॉक्स ओपन करना होगा। मशीन को क्रिएट कीजिए, नेम लिखिए उबंटू, फोल्डर आपका सेम रहेगा, टाइप आप लिनक्स रखिए, और वर्जन जो आप यूज़ करने वाले हैं। प्राइमरी मेमोरी का साइज दीजिए और सेलेक्ट करिए क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ। VDI पे सेलेक्ट करिए और डायनामिकली एलोकेटेड कर दीजिए नेक्स्ट। हार्ड डिस्क का साइज दीजिए और फिनिश कर दीजिए। अब अपनी मशीन को स्टार्ट कर दीजिए और उसके बाद ब्राउज करके जहाँ पर आपने वो फाइल रखी हुई ISO उसको सेलेक्ट कर लीजिए एंड ओपन कर दीजिए। इतने कॉन्फ़िगरेशन में आपका वर्चुअल मशीन एकदम रेडी है और आप यहाँ पे अब अपने उबंटू को रन कर सकते हैं। चेकिंग डिस्क हो रहा है, आप थोड़ा वेट कर सकते हैं। उबंटू तो आप इंस्टॉल करने से पहले टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ट्राई उबंटू कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इंस्टॉल उबंटू पे भी क्लिक कर सकते हैं। कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, इनको आप फॉलो कीजिए। अगर आप अपने सेकेंडरी ड्राइव का डेटा लूज़ नहीं करना चाहते हैं तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, आपको समथिंग एल्स चूज़ करना चाहिए। /dev/sda आपका मेन हार्ड ड्राइव है, जिसे आप न्यू पार्टीशन टेबल पर क्लिक करके ओके कर सकते हैं। देखेंगे आपके पास फ्री स्पेस है जहाँ पर आपको कुछ वॉल्यूम्स क्रिएट करनी होंगी। यहाँ पर आपकी तीनों ड्राइव्स जैसे क्रिएट हो जाएंगी, आप इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। बेसिक इंस्ट्रक्शन से इन्हें कंप्लीट कर लीजिए। और आप देखेंगे अब आपकी कॉपिंग फाइल होना स्टार्ट हो गया है, मीन्स आपके सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। इंस्टॉलेशन प्रॉपर कंप्लीट हो चुका है।